और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि सभी लोगों के सामने लक्ष्मी का सपोर्ट करता हुआ नजर आने वाला है। ऋषि बोलता हुआ नजर आएगा कि किसी ने भी अगर किसी भी तरीका से जो कि मेरी वाइफ के ऊपर फिंगर उठाई, उंगली उठाई, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि लक्ष्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और लक्ष्मी प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात भी ऋषि को जो कि खुद आहाना बता चुकी है। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि जब सभी के सामने ऋषि ये बोलता हुआ नजर आएगा आहाना के इन लॉस से कि आप जो लक्ष्मी के बारे में बोल रहे हो, आप जुबान संभाल के बात कीजिए, क्योंकि ये मेरी वाइफ है और इसको आप वैसे ही ट्रीट नहीं कर सकते। जी हाँ, उसके बाद में ऋषि की मॉम नीलम और वहीं पे ही बात की जाए, पूरा परिवार और साथ में मलिष्का बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हुई नजर आने वाली हैं लक्ष्मी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी के ऊपर हमेशा से ही इन लोगों ने बहुत गंदी तरीका से ट्रीट किया है। लेकिन दोस्तों ये भी कंफर्म है कि लक्ष्मी अब इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि फाइनली ये तो डिसाइड हो ही चुका है, क्योंकि ऋषि ये भी जानते हैं कि लक्ष्मी उनकी बेफिक्र बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती है। और वहीं पर ही बात की जाए तो वाकई में ऋषि भी लक्ष्मी की फिक्र बहुत ज़्यादा करता है, और इस समय लक्ष्मी चिंतित हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो आहाना की सगाई को लेकर, ताकि इनकी सगाई में किसी भी तरीका की कोई आपदा ना आ। साथ ही दोस्तों आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूं। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि ऋषि और लक्ष्मी की बॉन्डिंग को देखते हुए मलिष्का जो कि ऋषि से नाराज होती हुई नजर आने वाली हैं, वो बोलती हुई नजर आएंगे कि ऋषि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो वादा किया था कि तुम लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, लेकिन छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तुम लगातार उसे अपने घर में और भी ज़्यादा पनाह देते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज़ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।